मुरैना जिले के जौरा जनपद की नवनिर्वाचित सदस्य संपतिया कुशवाहा के बेटे दरोगा कुशवाहा के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों ने सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा और जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिकरवार पर दरोगा कुशवाहा के अपहरण का आरोप लगाया, जिसके बाद जौरा पुलिस ने अजब सिंह और मानवेंद्र सिकरवार समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि मानवेंद्र ग्वालियर के नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार के चचेरे देवर हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सतीश ने कहा है कि बीजेपी जिला पंचायत के अध्यक्ष जनपद अध्यक्षों को बनवाने के लिए कांग्रेस के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की जीत से डर रही है, इसलिए जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज करा रही है। पुलिस क्या है, गुंडागर्दी करके मुकदमा झूठे लगाकर विपक्ष के लोगों को दबाना चाहती है, उनको प्रताड़ित करना चाहती है, उन पर मानसिक प्रेशर बनाना चाहती है, जिससे वो हथकंडे अपना के कैसे भी जनपद के जिला पंचायत के चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता ने मन बना चुकी है इनकी, ये भी हथकंडे इनके कामयाब नहीं होंगे।